आज का वीडियो दोस्तों काफी शॉकिंग रहने वाला है, क्योंकि सुपरस्टार सिंगर 2 के कुछ ट्रुथ को हम आपके सामने में पेश करने जा रहे हैं कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट वोटिंग के मामले में किस पोजीशन में बने हुए हैं और उनके पीछे में क्या योगदान रहा है जिसकी वजह से आप वोटिंग करने के बावजूद आपके फेवरेट कंटेस्टेंट का लोकेशन उतना हाई नहीं रह पा रहा है जिस वजह से होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा योगदान है दोस्तों आपके वोटिंग के बावजूद हमारे जजेस का कुछ प्रोमो नहीं रिलीज कर पाने का। तो बहुत सारा कारण है दोस्तों जिसकी वजह से आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को वह जगह नहीं मिल पा रही है जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी भले हो सकती है, लेकिन आपको 100% जानकारी इसमें मिलने वाली है कि आपके लगातार प्रयास के बावजूद आपके फेवरेट कंटेस्टेंट क्यों पीछे रह जा रहे हैं। आपको बताता हूं दोस्तों कि टॉप 15 का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से कि 5 टीम बनी है और सबों के बीच में 3 कंटेस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो हर्षिता भट्टाचार्य, सैंतनी कांजीलाल और विश्वजा जाधव, इन तीनों के एलिमिनेशन के बाद में कुल 12 कंटेस्टेंट बच जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पहले टीम पवनदीप की। तो टीम पवनदीप में साइशा गुप्ता, प्रांजल विश्वास और सोएब अली, इन तीनों का पार्टिसिपेशन है, जिसमें से कि आपने यह जरूर वाच किया होगा दोस्तों कि साइशा गुप्ता को जिस हिसाब से सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है, उनके प्रोमोस को लगातार प्रमोट किया जाता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रांजल विश्वास और सोएब अली को उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है, बल्कि प्रोमो भी उनका 11th आवर में रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से इनका परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर साइशा के साथ में प्रांजल को अगर वोटिंग करने के लिए दिया जाए तो दोनों के बीच में वोटिंग परसेंटेज बदल जाती है, बढ़ जाती है। इस कंडीशन में सोएब अली का नेक्स्ट डे अगर प्रोग्राम रहता है तो उन्हें फिर वोटिंग मिल जाती है, लेकिन बावजूद उसके इन तीनों के बीच में वोट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोस्तों, जिस वजह से कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को आप वोट कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे कंटेस्टेंट को ज़्यादा टाइमिंग और ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिए जाने की वजह से उनका वोटिंग और परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। बात करें टीम अरुणिता से, तो इसमें 2 कंटेस्टेंट हैं दोस्तों, मोहम्मद फैज और रोहन दास। जिस तरीके से मोहम्मद फैज को स्क्रीन टाइम मिल पा रहा है, उसके बनिस्पत अगर आप देखेंगे तो रोहन दास को बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है। मोहम्मद फैज का प्रोमो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और अरुणिता कांजीलाल भी उनका साथ देती हैं। काफ़ी ऐसे परफॉर्मेंस हुए हैं दोस्तों जिसमें कि मोहम्मद फैज को सोलो परफॉर्मेंस भी करने का मौका मिला है और साथ ही साथ ड्यूट परफॉर्मेंस में वह अरुणिता के साथ में परफॉर्म करती हुई नज़र आई हैं। लेकिन बात करें रोहन दास की, तो रोहन दास को कभी भी सोलो परफॉर्मेंस दिखाने का मौका फिलहाल कुछ समय से नहीं मिल पा रहा है और अरुणिता कांजीलाल भी उनका साथ उतना नहीं दे पा रही हैं और इन्हें दूसरे कंटेस्टेंट के साथ में ड्यूट परफॉर्मेंस किया जाता है। तो इस वजह से जब मोहम्मद फैज और रोहन दास का वोटिंग परसेंटेज की बात की जाती है तो दोनों के बीच में वोट बढ़ जाता है और उस लिहाज से मोहम्मद फैज का परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ जाता है। उनका अपना फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी वह काफ़ी एक्टिव रहते हैं और रोहन दास उस मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं। बात करें टीम शैली के तरफ से, तो इस टीम में जहां समायरा महाजन को थोड़ा बहुत प्रोमोट किया जा रहा है, उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है, उस हिसाब से प्रत्युष आनंद को उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनका प्रोमो भी रिलीज़ नहीं किया जाता है और इनका 11th आवर में प्रोमो आता है, जिसकी वजह से उनको उतना रेंज नहीं मिल पाता है दोस्तों जितना कि उन्हें मिलना चाहिए और वोटिंग परसेंटेज भी समायरा और प्रत्युष के बीच में बढ़ जाता है, जिस वजह से कि इनका वोटिंग और परसेंटेज जो है वो लो रह जाता है। बात करें टीम दानिश की, तो टीम दानिश के साथ में तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है शॉकिंग हो रहा है दोस्तों। इस टीम में कुल 3 कंटेस्टेंट हैं, आर्यनंदा बाबू, अरुणा दास और चैतन्या वैश। इस कंडीशन में चैतन्या वैश और अरुणा दास के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए तो नाइंसाफी हो रही है, जिसमें कि आप इन्हें देख पाएंगे कि कभी भी इन्हें सोलो परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। दानिश इनका साथ देते हैं और हमेशा ही इन्हें ड्यूट परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाता है, जिस वजह से कि चैतन्या और अरुणा दास का वोटिंग और परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है।
और बात करें आर्यनंदा की तो इन्हें भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इनकी अपनी फैन फॉलोइंग अच्छी है, इस वजह से आर्यनंदा का वोटिंग अच्छा मिल पाता है। लेकिन बावजूद उसके इन्हें भी स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता है और प्रोमो भी काफ़ी कम रिलीज किया जाता है। बात करें टीम सलमान की, इस मामले में सलमान सबसे ज़्यादा लकी नज़र आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि ऋतुराज और मनी हैं। ऋतुराज की अपनी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है और उन्हें स्क्रीन टाइम भी काफ़ी अच्छा मिलता है और उनका परफॉर्मेंस भी लगातार इम्प्रूव होता रहता है और इन्हें हिमेश रेशमिया की वजह से भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल पाता है। वहीं बात करें मनी की तो मनी को भी जावेद सर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और उन्हें कुछ इमोशनल बैकग्राउंड के आधार पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल पाता है और दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है, जिस वजह से कि इन दोनों का वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है दोस्तों। तो पांच टीम में से सभी के टीमों से देखा जाए दोस्तों तो टीम सलमान जो है वह सबसे स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कि दोनों ही कंटेस्टेंट को वोटिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। इस मामले में दानिश की टीम सबसे वीक पड़ जा रही है दोस्तों, साइली की टीम भी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है, अरुणिता के टीम से मोहम्मद फैज को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल पा रहा है और टीम पवनदीप के तरफ से साइशा गुप्ता को मिल पाता है। वैसे यह हमारा प्रेडिक्शन है दोस्तों, जो हमने अभी तक इस परफॉर्मेंस को लगातार पिछले कई लंबे समय से देखा है उसके आधार पर आपके सामने मैं बता रहा हूँ। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपको क्या लगता है कि मैंने जो प्रेडिक्शन करके बताया है वह कहां तक सही है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे आप लोगों से करूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जो भी आपके फेवरेट कंटेस्टेंट हो उन्हें आप जम के वोट कीजिए, जिससे कि उन्हें आप टॉप पोजीशन में बना के रख सकें और उन्हें सेफ रख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।